रेलवे स्टेशन कोलंबो सिटी का सबसे मेजर रेलवे स्टेशन है। ट्रेन के स्टेशन के जस्ट एंट्रेंस पे एक सेकंड क्लास बुकिंग काउंटर है, आप वहाँ जाके टिकट ले सकते हो सेकंड क्लास एंड ट्रैवल कर सकते हो सेकंड क्लास में। जिस जगह पे इतनी शांति थी, आज मॉर्निंग होते ही वहाँ पे ये हाल हो चुका है कि चलने को भी जगह नहीं है। पूरा का पूरा मार्केट जो है पीछे वाले रो में वो पूरा भरा हुआ है गाड़ियों से। तो मैं अभी आ गया हूँ इधर फोर्ट के साइड एंड पीछे आप देख पा रहे होगे इंडियन ओशियन दिख रहा है साफ साफ। तो आज के डे को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला तो जो मॉर्निंग में मैंने ट्रिप एक किया था मिरीसा बीच का, जो थोड़ा सा यहाँ से डिस्टेंस पे है, एक घंटा लगा था लगभग मुझे वहाँ तक पहुँचने में, एक डेढ़ घंटे लगे थे। तो एक पार्ट तो वो है एंड दूसरा पार्ट जो है वो है अब स्टार्ट हो रहा, जिसमें मैं पहले यहाँ के जो सबसे फेमस बीचेस हैं उनको एक्सप्लोर करूँगा और भी कुछ पॉइंट्स हैं उनको एक्सप्लोर करूँगा एंड उसके बाद मैं फोर्ट जाऊँगा इवनिंग में। फोर्ट के अंदर और फोर्ट के आसपास कुछ कुछ लोकेशन हैं जो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं, तो उनको एक्सप्लोर करेंगे। तो अपना डे स्टार्ट करते हैं एंड इन्जॉय करते हैं गोल को। सुबह के बजे हैं 6 और हम अभी ट्रैवल कर रहे हैं टू मिरीसा बीच। मैंने एक ऑटो ले लिया है, कल रात में ही एक्चुअली हॉस्टल आने के बाद मैंने उनको बोला था कि सुबह मुझे मिरीसा बीच जाना है, तो क्या आप कोई टुक टुक अरेंज कर देंगे। यहाँ पे टुक टुक ऑटो को बोलते हैं या फिर ऑटो को टुक टुक बोलते हैं, दोनों आप समझ सकते हो। एंड लगभग एक डेढ़ घंटे का डिस्टेंस है यहाँ से मिरीसा बीच, तो चलते हैं मिरीसा बीच। वहाँ पे एक कोकोनट हिल टॉप है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो हम अभी वो इन्जॉय करेंगे। ऑटो से जाने का एक और रीज़न ये था कि जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, मैं रेलवे स्टेशन गया था पता करने को कि सुबह में अर्ली मॉर्निंग कौन सी मुझे ट्रेन मिलेगी, बट वो ट्रेन मुझे मिला नहीं। तो अभी फ़िलहाल मैं ऑटो से ही जा रहा हूँ एंड उधर से रिटर्न में शायद एक ट्रेन है 7:30 के आसपास, लोकल ट्रेन है, तो उसमें सेकंड क्लास या थर्ड क्लास में सीट मिल जाएगी मुझे। तो वो मैं वहाँ लोकल ट्रेन लेके वापस आ जाऊँगा, और अगर नहीं मिलती है तो फिर मेरे को वापस से ऑटो या फिर कुछ करना होगा अरेंज। आज का वेदर बहुत क्लाउडी है, एटलीस्ट मॉर्निंग में तो काफ़ी क्लाउडी है, वहाँ पहुँचने के बाद में भी हो सकता है कि थोड़ा सनी हो जाए, तो ये काफ़ी प्लस प्लस पॉइंट है बिकॉज़ गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी कल। और अभी का सीन चेक करते हैं वहाँ पहुँच के कैसा क्या रहता है।
तो अभी मैं मेरीसा पहुँचा हूँ एंड धूप निकल आई है। तो पहले मेरीसा बीच जो है उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे एंड उसके बाद कोकोनट हिल टॉप है, मैं वहाँ जाऊँगा क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। लोकल्स जो हैं यहाँ के वो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि उसकी जो नेचुरल ब्यूटी है वो मेंटेन्ड रहे, तो इस वजह से काफ़ी सारा कंजर्वेशन एफर्ट भी लगाया गया है उस एरिया में। तो पहले चलते हैं मेरीसा एक्सप्लोर करते हैं, फिर उसके बाद वापस गॉल जाएंगे एंड वहाँ से फिर गॉल के आसपास का जो लोकेशन है उसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे। साथ ही चल लो, तो मैंने उनको ही बोला कि ठीक है आप थोड़ा निगोशिएट कर लो रेट में। तो उन्होंने रेट्स वगैरह निगोशिएट करके अराउंड 4,000 श्रीलंकन रुपया लिया और मुझे वापस ड्रॉप कर दिया। इज़ अ वेरी स्वीट पर्सन। और अभी दोपहर में, दोपहर तो नहीं बट सुबह के 10:30 बज रहा है एंड अब मैं निकल रहा हूँ अपने डे को स्टार्ट करने के लिए। एक्चुअली जब मेरा पूरा का पूरा दिन जो है वो बहुत ज़्यादा आज फिर से हेक्टिक होगा जब मैं वो बहुत सारे मल्टीपल लोकेशन जो हैं उनका एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा। तो पहला स्पॉट जो है इसमें वो है उनावाटुना बीच। ऐसा लग रहा है नाम पढ़ गया कि जैसे मैं किसी ट्राइब में आ गया हूँ, बिल्कुल वैसे ही फील हो रहा है। बट मैंने सुना है कि वो बीच जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो पहले वहाँ चलते हैं एंड वो बीच इन्जॉय करते हैं। इसके अलावा सदर्न श्रीलंका में मटारा के आगे और भी बहुत सारी बीचेस हैं, उनका डिटेल भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको इंटरेस्ट है वहाँ जाने में तो आप वहाँ भी जा सकते हो। वो आपको थोड़ा सा और सदर्न गॉल में है, काफ़ी नीचे, तो मैं तो कवर नहीं कर सकता बिकॉज मेरे पास उतना नंबर ऑफ डेज नहीं है अपने आइटिनरी में। बट आप कवर कर सकते हो अगर आप लंबे समय के लिए आ रहे हो तो। बीचेस काफ़ी प्रिस्टीन है एंड बेस्ट चीज़ जो यहाँ पे मैंने सुना है वो है कि यहाँ के जो बीचेस हैं वो काफ़ी अनटच्ड टाइप हैं, तो बिल्कुल क्लीन प्रिस्टीन बीच आपको देखने को मिलेगा। लैंडस्केप काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट है। तो पहले इन सारे बीचेस में से एक बीच जो मुझे सबसे ज़्यादा लोगों ने भी रिकमेंड किया और मैंने भी जो अलग अलग प्लेटफॉर्म में स्टडी किया उससे मुझे जो पता चला वो था ये उनावाटुना। एंड ये काफ़ी गॉल के पास में भी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधे घंटे का डिस्टेंस है। तो पहले चलते हैं वहाँ पे। एक और चीज़ जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ वो है उनावाटुना में भी काफ़ी सारे हॉस्टल्स, रिजॉर्ट और होटल्स वगैरह हैं। तो अगर आप ऐसा चाहते हो कि आप उनावाटुना को अपना
बेस बनाना चाहते हो और यहाँ से आप आगे के लोकेशंस को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो वो भी काफ़ी पॉसिबल है। तो पहले चलते हैं बीच की तरफ एंड फिर आगे की जो लोकेशन होंगे वो मैं आपसे शेयर करूँगा। No problem, neighbors. I'm staying at Gaul railway station, just beside railway station. So there I was staying at a hostel. Beautiful beach you have. Thank you. I've been to many places, like I've been to beaches in Malaysia, Thailand, Indonesia. This beach is very much comparable to it. Oh yeah. Very clean and pristine. You know, but in we have societies and sometime, but in they are cleaning for the beach. Okay. Yes, cleaning is anyways required, but I have seen like a lot of cleanliness already is there. Yeah. So you know the why, but when you get to our area. Yes. Our cleaning. Yes. But every we are same. Okay. Which means you, if you go to the southern part of Sri Lanka or southern part of Gaul, it's more cleaner. मैंने अभी यहाँ पे एक watermelon juice लिया है, तो वही मैं enjoy कर रहा था। तो वो जो देने आए थे यहाँ पे serve करने, उनसे बात हो रही थी, कहाँ से हो आप, are you enjoying it or not, and then किस जगह रह रहे हो गॉल में, तो वही मैंने उनको बताया। सो ये है बेसिकली उनावाटूना बीच, काफ़ी ज़्यादा फेमस बीच है, कंसिडर्ड वन ऑफ दी मोस्ट फेमस बीचेस इन गॉल डिस्ट्रिक्ट। बट मैं फिर भी आपको कुछ लोकेशंस जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन करके दे दूँगा, जिन बीचेस को मैंने एक्सप्लोर करने के लिए सोचा था, बट मेरे पास सिंस एक दो दिन कम है तो मैं तो नहीं जा सकता। बट आप अगर एक दो दिन एक्स्ट्रा लेके गॉल आते हो तो आप उन सारे बीचेस को कवर कर सकते हो। बेस्ट पार्ट इज़ कि गॉल रेलवे स्टेशन से आपको ट्रेन्स मिल जाएंगी या फिर बस भी मिल जाएगा, थोड़ा टाइम तो लगता है बट आप बस या ट्रेन से हर एक बीचेस को कवर कर सकते हो। बीचेस के आसपास स्टेशंस हैं तो आपका जो भी पॉइंट होगा जिस जगह पर आपको उतरना है और जिस भी जगह पे आपको बीचेस एक्सप्लोर करने हैं आपको उस पॉइंट पे जाना है एंड उस पॉइंट के जो रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप है वहाँ पे आप उतर जाना और फिर बीचेस एक्सप्लोर कर लेना। तो काफ़ी सिंपल प्रोसेस है एज सच, बहुत ज़्यादा हैसल नहीं है। एंड स्टिल अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपके पास ऑप्शंस है, पिकनी से आप ऑटो बुक कर सकते हो या फिर आप ऊबर ऑटो भी बुक कर सकते हो। जैसे मैं तो अभी जब मैं आ रहा था तो जो मेरे टुक टुक में मेरे साथ थे सो ही मेंशन्ड कि काफ़ी सारे उनके पास रिक्वेस्ट जो हैं वो ऊबर के थ्रू आता है, तो आप ऊबर से भी कर सकते हो। दोनों में कम्पिटिटिव प्राइस है। इंडिया में जैसे आप ओला ऊबर कुछ जगहों पर रैपिडो भी चलता है, तो आप तीनों जगहों पर कभी कभी ओला और ऊबर ये दोनों जगहों पर प्राइस चेक करके बुक करते हो चीपेस्ट रेट के लिए। आप सिमिलर चीज़ यहाँ पर भी कर सकते हो। मेरे हिसाब से लोकल ऑटो बुक करने से ज़्यादा कन्वीनियंट और इजी है ऐप्स के थ्रू बुक करना, उसमें रेट्स भी सही हैं, आपको बार्गेन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी फ़िलहाल उनावाटूना बीच को इन्जॉय करते हैं एंड फिर उसके बाद मैं यहाँ से निकलूँगा जापानीज़ पीस पकौड़ा के लिए। हमें जो आयुर्वेदिक मसाज है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो अभी मैं एक लंका स्पा करके एक स्पा था यहाँ
बीच के पास ही, तो मैं वहीं गया था। एक्सपीरियंस ठीक था, मतलब डिसेंट 3500 उन्होंने लिया 60 मिनट्स का। ओवरऑल एक्सपीरियंस ठीक ठाक था, ऑन एन एवरेज ही मैं बोलूँगा। अगर मुझे कहीं आगे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं कोलंबो में या मे बी किसी और शहर में एक बार और ट्राई करने जाऊँ, और फिर वहाँ पे जो एक्सपीरियंस होगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो फिलहाल अब चलते हैं जापानीज पीस पकौड़ा। सो डू यू लाइक क्रिकेट? क्रिकेट यू लाइक? क्रिकेट? यस। योर फेवरेट प्लेयर? श्रीलंकन और इंडिया। श्रीलंकन? श्रीलंकन। सॉरी, योर श्रीलंकन फेवरेट प्लेयर? वानी दु हसरंगा। ओह, हसरंगा। योर फेवरेट क्रिकेटर? एंड इंडियन क्रिकेटर? या। एंड योर फेवरेट इंडियन क्रिकेटर? इंडियन क्रिकेटर But Dhoni retired already. Yeah. But Dhoni is retired. Yeah. Dhoni doesn't play anymore. मैं पीस पकौड़ा पहुंचा ही था, मुझे ये देखने को मिला। ये है मॉनिटर लेजर्ड, और इसको बोलते हैं कोमोडो ड्रैगन भी। ये काफ़ी पहले से हैं अर्थ पे, एंड ये बिल्कुल मेरे को व्यू पॉइंट के सामने ही दिखा था, मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया। तो इससे जुड़ी भी एक जानकारी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, चूँकि दिख गया है इसलिए। इंडोनेशिया में एक प्लेस है जिसको बोलते हैं कोमोडो आइलैंड, 7 वंडर्स ऑफ नेचर में उसको इंक्लूड किया गया है। स्पेशलिटी क्या है, पूरा आइलैंड जो है वो कोमोडो ड्रैगन से भरा हुआ है। वैसे आप वो एक नेशनल पार्क है, आप वहाँ जाके विज़िट भी कर सकते हो। डिटेल्स अगर कोमोडो आइलैंड से रिलेटेड आपको जाननी है, मैंने उस पर एक ब्लॉग लिखा था, मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मैंशन कर दूँगा, आप चाहें तो उसको चेकआउट कर सकते हैं। श्रीलंका में एक्चुअली बुद्धिज़्म काफ़ी लार्ज स्केल में प्रैक्टिस किया जाता है, इसकी वजह से बुद्धिस्ट टेंपल काफ़ी सारे आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हो ये जापानीज़ टेंपल ही है, बट मैं अंदर से कोई भी वीडियो नहीं लूँगा यहाँ पे, बिकॉज रिस्ट्रिक्टेड है। एंड हर किसी के रिलीजन को, जैसा मैंने पहले बताया, हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए। Thank you.
फुल स्टेडियम एक्सप्लोर करने के बाद अभी हम आ गए हैं जस्ट उसके सामने एक प्रोमेनाड जैसा है, काफ़ी लंबा 1.5-2 किलोमीटर का एक पाथवे बनाया हुआ है। उसके जस्ट बाजू में इस तरीके से इंडियन ओशियन दिखता है, तो आप चाहें तो पाथवे पे वॉक कर सकते हैं 1.5 किलोमीटर। आपको बहुत सीनिक व्यू मिलेगा यहाँ से। प्लस पीछे अगर आप देखोगे तो एक पॉइंट आती है, शायद यहाँ से नहीं दिख रहा होगा, एक सेकंड, अभी अगर आप देखोगे तो मैं इस पॉइंट पे था, यहाँ पे वो पीस पकोड़ा है और मैं वहाँ से घूम के अभी इधर आया हूँ। तो अभी चलते हैं गोल्फ फोर्ट, एंड गोल्फ फोर्ट का जो मेन प्रोमिनेंट लोकेशन है उसको कवर करते हैं।